हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों, मैं फतेह सिंह स्वागत करता थोड़ा पंजाब डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर जी। तो वेटिंग हो गई है, खत्म आ गया, आप आ जाओ जल्दी जल्दी सारे जने, पहुँचो जी पहुँचो। ठीक है, तो सवेर के बज चुके हैं 11, तो 11 बजे होंगी अपनी जी पॉलिटी की क्लास। तो एक मिनट होर बस, तो वह पॉलिटी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वह पॉलिटी जी बड़ा ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है PPSC के पेपर के, जिमें आप देख रहे हैं कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर की गल कर लो जां अपने सीनियर असिस्टेंट की गल कर लो, तो कोऑपरेटिव का पेपर भी आने वाला है। किदां तैयारी चलती थोड़ी कोऑपरेटिव की? हाँ जी, सत श्री अकाल सारे, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, आ जाओ जी आ जाओ सारे जने, आप आ गए हैं तो तुम भी आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, लेट नहीं होना, जल्दी जल्दी पहुँचो। ठीक है, हाँ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सारे। चलो तो शुरू कर दें, अज का अपना टॉपिक है, अज का टॉपिक है म्युनिसिपैलिटीज़ नगर पालिका। सुनया होगा सारे ने, जिमें आप कल पंचायतां देखिया सीगियां, पंचायतां होंदियां पिंडां च, म्युनिसिपैलिटीज़ होंदियां शहरां दे विच। मतलब कल आप पिंडां बारे पढ़ लिया, तो अज आप पढ़ांगे शहरां दी गवर्नमेंट दे बारे। बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक आ, तुसी एग्जाम देखो पुराने तो इतों भी क्वेश्चन बनता हुंदा, लेकिन आप वो टॉपिक पढ़ने जितों क्वेश्चन बनूगा, ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना। हाँ जी सत श्री अकाल जी, जसप्रीत सत श्री अकाल, अमन सत श्री अकाल, सना हाँ जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, मनीष कुमार गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बाकी जिन्हों का नाम नहीं मिले हुए उन्होंने भी सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग आ। बस जल्दी जल्दी आ जाओ, तो आप कर दिए क्लास शुरू म्युनिसिपैलिटीज़ की। तो क्लास अपनी जिम्मे पहला दसिया PPSC के लैवल की है, ये दो छोटे जिन्ने भी एग्जाम होंगे, चाहे वह PSSSB लवे या पंजाब पुलिस वाले लैन, हरेक पेपर के लिए पॉलिटी जरूरी है, लेकिन अपना जो लैवल आ वह PPSC आप टारगेट करके चल रहे हैं। चलो जी नैक्सट चलते हैं। लो जी, तो अगे वधन तो पहला छोटी जी एक रिक्वेस्ट आ कि भाई तुसी सारिया ने चैनल में सबसक्राइब जरूर करना, जिन्होंने हजे तक नहीं किया, जिहड़े नवे बच्चे ऐड हुंदे आ, ते नाल दी नाल घंटी वाला बटन जरूर दबा लो, बैल आइकॉन जिहनूं आपां कह दिंदे आ, अते इह बैल आइकॉन दबाउण दा इही फायदा कि जिहड़ा नोटिफिकेशन नहीं आउंदा उह आ जांदा हुंदा। जे फिर भी नहीं आउंदा फिर याद रख्या करो, क्लास दी टाइम 11 बजे हुंदा आ, ते तुसीं 11 बजे आ जाया करो जे फिर भी नहीं आउंदा। ठीक है ना, ते उहदे नाल नाल की करना आ, लाइक जरूर करनी वीडियो हजे जन तक, जिन्हां ने हजे तक नहीं लाइक कीती, थले इदां दा बटन तुहानूं दिखाई दिंदा होणा उत्ते प्रेस करो ते लाइक हो जाणा आ। ठीक है, क्योंकि अपना पता नहीं की आ भी 50% थले चलदा हुंदा लाइक वाला, हजे भी अपना अद्धी च चल रहा, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। उस तो बाद कमेंट भी करने, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उन्होंने कमेंट तो करने करने उन्होंने आंसर, तो जे कोई भी थोड़ी क्वेरी आ तो तुम मैं कमेंट करके पूछ सकते हो, आप उन्होंने आंसर जरूर करा, नाल दी नाल वीडियो शेयर जरूर करनी है, हुणे कर दो, एक बार खत्म होने तो बाद कर दो, ग्रुप ग्रप जो है थोड़े फ्रेंड सर्कल है, जल्दी जल्दी शेयर कर दो वीडियो ताकि आप शुरू कर लिए जी। फिर चलो करिए स्टार्ट, है ना, चलो जी फिर करते हैं आप शुरू। तीन बार लाइक करता, देखो एक होर गल आ भाई, एक बार लाइक करया करो, ठीक है, दो तीन बार ना करया करो काम खराब हो जाता, दो तीन बार तो फिर काम उड़ जाता, एक बार ही कर दिया करो बहुत आ। अमन वीडियो नू कर लाइक, मामा तू हो ना पासे तुर। चलो जी, तो अज है अपने को तो सब तो पहला आप देखते हैं अज्ज की मोटिवेशन कोट की कहती है। एक ना साडे च हुंदी गल, पहला मैं लिखिया पढ़दा कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। साडे च की हुंदा, आपां की करदे आ, सोच तां लैंदे आ भी आ करना, फिर सानूं लगदा कि असीं कर लांगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग है कि जे परमात्मा थोड़ा ट्रस्ट हैगा कि रब है कोई चीज़, जे थोनू वो चीज़ सोचण दी शक्ति दे सकदा ना, तां थोनू करन दा बल भी जरूर दूगा, थोनू करन दी पावर भी जरूर दूगा। तो कदे सोच के नहीं चलना कि मैं सोच लिया कि होगा कि नहीं होगा, तुम सोचा तो तुम कर भी सकते हो, जो सोच सकते हो इन्ना दिमाग ला सकते हो तो तुम करोगे भी जरूर। फर्क की आ, थोनू उहदे लई थोड़ी मेहनत करनी पैनी आ, सही तरीके नाल मेहनत करनी पैनी आ, सही डायरेक्शन च मेहनत करनी पैनी आ, तो अपने आप नूं एक फोकस्ड रखना पैना। एक सिगा कोई उन्हें बंदा मैं सुनी सी किसी कोलों गल, वह कहिंदा तुसीं ऐ करो, सुबह उठ के ना ये सोचो कि पहले 2 घंटे फोन नहीं चकना। कहिंदे ठीक आ, रोज़ सवेर नूं एक पर्टिकुलर टाइम ते उठना, ठीक आ, जदों राह ते जांदे हो सोच के चलो कि इधर नूं मुड़ के नहीं देखना, सीधा जाना, ठीक है, जदों फोन ते टिंग देनी आई आ नोटिफिकेशन, कोशिश करो उहनूं 15 मिनट देखना नहीं। कहिंदे इहदे नाल की होगा, की होगा? कहिंदा इहदे नाल होना कुछ नहीं, थोड़ा जिहड़ा बेकाबू मन आ उह काबू च आउणा स्टार्ट हो जाना, बस साढ़े मन ते साडा काबू नहीं है, सानू इन्हें पता नहीं कि अगली घड़ी की करना है ना, सानू आपनू नहीं पता अगली घड़ी इन्हें की करना। आपां पढ़दे हुंदे आ, लैक्चर सुनदे हुंदे आ, लेकिन अगे कुछ नोटिफिकेशन आ गया, आपां करना लैक्चर छड्ड नोटिफिकेशन ते पहुँच जाईदा, मतलब साढ़े साढ़े दिमाग का इत्थे कंट्रोल ही है नहीं गा। जिद्दन तुसी
दिमाग का कंट्रोल मन से कर लिया कि हाँ भाई जिदा असं कहे उदा करना पैना थोड़ा जहा तो समझो तुम जो ड्रीम किया कर भी लोगे पूरा। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सारू। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बिना कंट्रोल तो गड्डी नहीं काबू चाहती, वो सीधी निकल जाती है। तो मन कंट्रोल करो, ये बहुत ही फुरने वाले फुट दिया, इदा कर लाँगे उदा कर लाँगे चक लो धर लो वाली चीज़ा, उन्होंने कंट्रोल करना पैना ता काम बनना। ठीक है चलो जी, चलो जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑफ किए आ वधिया गल आ, जिन्होंने लगता कि लोड़ नहीं हैगी है ना, हाँ उ ना भी वधिया गल आ, जिहड़ियां चीज़ां तुसीं ज़्यादा इंपोर्टेंट उन्हां ते फोकस करो, बस मन ते कंट्रोल होना चाहिए। जाए भी होंगे ना कई बार, मान लो चलो इंपोर्टेंट मैसेज आप रिप्लाई करना, उदो बाद आप होर ही कितने वग जाने, मेन काम छड़ दें पिछे, यह भी सब तो वड्डी दिक्कत आ, मेन काम नहीं छड़ना, उत्ते भी कंट्रोल रखना। हाँ जी चलो, तो अज का है म्यूनसीपालिटीज़ अपन, म्यूनसीपालिटीज़ मतलब नगर पालिका जिन्हों आप पंजाबी कह दें, तुम्हें पढ़िया भी होगा नगर पालिका बारे, वो बारे अज आप पढ़ा जी। चलो देखते हैं फिर, जिमें सरपंच देखे से कितने होंगे आ पिंडा, मेयर कितने, एम सी नहीं सुना, एम सी बन गया जी, फिर मेयर बन गया, तो एम सी तो मेयर कितने बनते होंगे आ शहरां विच। तो अज आप की पढ़ना आ एम सी तो मेयर के बारे प्राप्त करांगे जानकारी जी। हाँ जी हाँ जी मनदीप, मैं दसिया अपना जिहड़ा लैवल आ उह हैगा जी इत्थे पी पी एस सी का, उदों थले जिन्ने एग्जाम आते सारे लिए क्लास ला सकते हो, सारे लिए इंपोर्टेंट ही इंपोर्टेंट आ। चलो जी अगे चलते फिर, आप मनदीप सिंह लो जी, फिर यह हैगी म्यूनसीपालिटीज़। ठीक है ये कड़ा आ गया, यह तो होर ही किसी कंट्री की आ गई आ, ये नहीं आप देखनी फोटो ही गलत लगी हुई, है फोटो गलत लग गई। हाँ मतलब किसी भी तुम एक बिल्डिंग देखियो जिहड़ी ऑफिस हुंदा म्यूनसीपालिटी वाले का, किसी भी सिटी का चक लियो। चलो तो शुरू करते, म्यूनसीपालिटी कहते है कि आ, म्यूनसीपालिटी नगर पालिका एक अर्बन लोकल गौरमेंट आ। अपनी कंट्री में ना थ्री टायर गौरमेंट आ, कंट्री तीन टायर गौरमेंट आ, कंट्री में केड़े-केड़े थ्री टायर आ मैं दस देवां पहला, फिर आप अगे चलते हैं। कंट्री की गल करदा मैं, कंट्री में पहला तो सेंटर गौरमेंट, फिर अपने को उदों थले आउंदी आ स्टेट गौरमेंट, फिर आउंदी आ जी लोकल गौरमेंट। लोकल गौरमेंट दो तरह की आ, पिंडां वाली पंचायतां ते शहरां वालियां म्यूनसीपालिटी। लो जी ये पूरे का पूरा अपनी कंट्री में गौरमेंट का सिस्टम आ, मतलब सेंटर गौरमेंट स्टेट गौरमेंट, तो स्टेट वाली यूटी की होंगी एक, चलो वो अपन पता है सेंटर गौरमेंट स्टेट गौरमेंट, उदो बाद थले है अपने को लोकल गौरमेंट, तो लोकल गौरमेंट दो तरह की होंगी, पंचायत आप कल पढ़ लिया म्यूनसीपालिटी अज पढ़ा। जो कोई पूछे एग्जाम के इंडिया में किन्ने टायर गौरमेंट आ, तो कह दौ जी थ्री टायर गौरमेंट आ, तीन प्रकार की गौरमेंट आ जी। ओके चलो फिर नैक्सट चलते आप। हाँ जी लोकल अर्बन, लोकल मतलब शहरी, ठीक है अर्बन का मतलब होंगे शहरी गौरमेंट, कि साढ़े को हैगी है जी शहरी गौरमेंट। हाँ जी सुपरवाइजर बारे आन जी, हम सारे हम सारे पढ़ वधिया गल्ला। तो ये ना देखो जी ना शहरी एरिया होंगे, आप कई बार देखा कुछ इदा के एरिए होंगे जेडे शहर के नाल लगते, उत्थे भी म्यूनसीपालिटी का कंट्रोल होंगे। हुण केड़ा एरिया जिहड़ा म्यूनसीपालिटी के अंडर आऊगा, तो किहड़ा एरिया जिहड़ा पिंडां दे मतलब पंचायत के अंडर आऊगा, तो आपां नूं पता हुण जिहड़ा म्यूनसीपालिटी के अंडर एरिया आऊगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगी जी गौरमेंट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट गौरमेंट आ। देखो जी स्टेट गौरमेंट डीमार्केटेड मतलब डिसाइड किया जाऊगा कि लिमिटेड टू द स्पैसीफिक अर्बन एरिया। ठीक है किसी भी अर्बन लोकल गौरमेंट का किन्नी पावर आ, जुरिसडिक्शन किन्ना किसी गौरमेंट का, लोकल गौरमेंट का कौन डिसाइड करता हुंदा, स्टेट गौरमेंट। ठीक है हाँ जी हाँ जी मनीष, मेयर ही हुंदा जी, मेयर अगे आ जाना, मेयर हुंदा, मेयर हुंदा। ठीक है ना, हाँ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जिहड़े आ रहे ने। तो उस तो बाद अपने कोले किन्ने तरह की हुंदी आ म्यूनसीपालिटीज, आपां नूं लगदा शायद एक अद्धे तरह की होगी, लेकिन अठ तरह की आ, याद रखियो एग्जाम दे विच इन्ना ही पुछ रहे हुंदे कि किन्ने टाइप की म्यूनसीपालिटीज़ आ जां लोकल अर्बन गौरमेंट। आह वर्ड जरूर ध्यान रखियो, अर्बन लोकल गौरमेंट मतलब शहरी गौरमेंट, जे पंचायत लिखा गया तो पेंडू, जे अर्बन लोकल गौरमेंट आ गया तो शहरी गौरमेंट। जिहड़ी शहरी गौरमेंट कहिंदे अठ तरह की हुंदी आ, जरूर याद रखियो किन्ने तरह की आ। ठीक है तो उस तो बाद कहिंदे जिहड़ा ये अर्बन लोकल गौरमेंट है किहड़े किहड़े नाम दे होणगे, एक तां हैगा म्यूनसीपल कारपोरेशन, दूजा म्यूनसीपालिटीज़, तीजा नोटिफाइड एरिया कमेटी,
चौथा टाउन एरिया कमेटी, पांचवा कंटोनमेंट बोर्ड, छेवा टाउनशिप, सातवा पोर्ट ट्रस्ट ते अठवा स्पैशल परपज एजेंसीज़। मतलब तुसी इन अठा के नाम भी जरूर याद करने आ, अते ये भी याद रखना कि अठ आउंदियां अर्बन वालियां, ठीक है। हाँ जी, अर्बन लोकल गौरमेंट अठ तरह दियां है ना। हाँ सही है जी गुरमेह, सही है। रूरल मतलब पिंड, अर्बन मतलब शहर। तो अर्ब आप रूरल तो पढ़िया सीगा भी, उही सिंपली चलता काम, ठीक है, सरपंच बन गया इत्थे। लेकिन अठ तरह दियां आ, इह आपां नूं पता होना चाहिए। ओके जी, चलो फिर अगली स्लाइड ते चलते हैं जी। लो अगली की कहती है, कहते हुण जिहड़ा अमेंडमेंट हुई सी अपने कोल, अमेंडमेंट कदों हुई सी, कहते जी अमेंडमेंट हुई सी अपने कोल 74th अमेंडमेंट, जी अर्बन गौरमेंट आ उहनूं कॉन्सटीट्यूशनल प्रोविजन मिलिया। देखो कॉन्सटीट्यूशनल प्रोविजन मतलब पहलां भी सी, जिवें पंचायतां आपां देखीए ना, पंचायतां पहलां राजस्थान च बणियां, ठीक है, उदों बाद आंध्र प्रदेश बनी, उदों तो हौली हौली सारिया स्टेटा लगभग नेड़े तेड़े जिहड़ियां सीगियां बन गईयां। बट उहनूं कॉन्सटीट्यूशनल राइट कदों मिलिया सीगा, 73rd दे विच, लेकिन इहनूं कदों मिलिया 74 दे विच, ठीक है। तां याद रखियो 74th नंबर अमेंडमेंट 1992 च होई सीगी, 1992 विच, ठीक है। तो हुण जिहड़ा म्यूनिसिपैलिटी है ना, म्यूनिसिपैलिटीज़ जां आपां कह दईए लोकल अर्बन गौरमेंट, इहनां नूं सेंटर गौरमेंट भी देखदी आ, ओबियस देखूगी। तो सेंटर गौरमेंट जी देखती है, वो तीन मिनिस्ट्रियां रिस्पोंसिबल आ, उन्होंने तिना मिनिस्ट्रियों के सानू नाम याद होने चाहिए आ। हुण आपां मैनूं लगदा पहली बार पढ़ रहे हैं, अजीब जिहा लग रहा होना कि सर की है आपां ना, लेकिन यह पता आपां नूं, हालांकि आपां नूं MSC ते मेहर का पता भी दो चीज़ा, आह चीज़ा अपने नवी आ गई, इन्ना कुछ हुंदा पेपर च आ जाता, फिर भी आपां कोशिश करांगे कि ज़्यादा डीप ना जाइए, जिन्ना कि इंपोर्टेंट उत्थे तक रखिए, तां कि असीं पढ़ भी लीए, ज़्यादा डीप बना जाइए, तो पेपर च साडा क्वेश्चन भी सही हो जाए, तो असीं कन्फ्यूज्ड भी ना होइए, ठीक है ना। हाँ ओके जी, चलो फिर चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, डील कर दें तीन मिनिस्ट्रियां। तो तीन मिनिस्ट्रियां केड़ियां ने, वो तुसीं सुने होने इन्हां दे नाम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयरस, सुनया होगा इहदा नाम भी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दूजे नंबर ते केड़ी मिनिस्ट्री आ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ कंटोनमेंट जोन। हुण जिहड़े आपां कहिंदे कंटीनी एरिया, कैंट एरिया, जिवें जलंधर का कैंट एरिया हो गया, फिरोजपुर का कैंट एरिया हो गया, जिहड़ी भी तुसीं देखोगे किसी सिटी का कैंट एरिया हुंदा, जिहड़ी उहदे अंडर म्यूनिसिपैलिटी हुंदी आ, उहनूं कंट्रोल कौन करदा हुंदा, डिफेंस मिनिस्ट्री। हाँ जिहड़े बाकी उह वाले करनगे, लेकिन जिहड़े इह वाले आ उहनां नूं इह देखिया जाऊगा किहड़ी मिनिस्ट्री देखूगी जी, डिफेंस मिनिस्ट्री। नवीं जी चीज़ मैनूं लगदा तुहानूं पता लगी आ, शायद इहदे बारे ना पता होवे पहलां। तो इदां जिहड़ियां यूनियन टैरीटरीज हुंदियां जिवें दिल्ली ला लो, चंडीगढ़ ला लो, उहदे लई किहड़ी आ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयरस, सॉरी होम अफेयरस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरस इन द केस ऑफ यूनियन टैरीटरीज। जो यूनियन टैरीटरीज की गल चलती है, उत्थे केड़ी गल हुंदी आ, होम मिनिस्ट्री की। हुण तुहानूं एक एग्जाम्पल दिंदा मैं, तुहानूं याद होगा ना अपने चंडीगढ़ होम मिनिस्टर आए सीगे, जदों जिहड़े लॉ अपने सी ना, लॉ जिन्ने भी पंजाब दे ऑफिसर सीगे जां चंडीगढ़ दे विच जिहड़े सरकारी नौकर सीगे, उहनां उप्पर पंजाब दे लॉ चलदे सीगे, पंजाब दे कानून चलदे सीगे। लेकिन अमित शाह आए सीगे उत्थे, ते अमित शाह ने की कीता, वो लॉ जिहड़े सीगे पंजाब दे हटा के सेंटर दे अपलाई कर दिते। क्यों कर दिते? क्योंकि उहनां कोल पावर सीगी जी, ताही आपां नूं पता लग्गिया कि जिहड़ी होम मिनिस्ट्री आ उहनां दा कंट्रोल कित्थे हुंदा, यूनियन टैरेटरी ते। याद आ ना सारिआं नूं गल जिहड़ी मैं दसी आ कि आए सीगे ऐ करके गल होई आ, किहनूं किहनूं गल याद आ दसो मैनूं, किहनूं किहनूं स्टोरी याद आ? नहीं 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 मनीष, MC नूं मेयर नहीं कहिंदे, MC मिल के मेयर चुणदे हुंदे आ, आउणा अग्गे जिवें चंडीगढ़ च किन्ना रौला पिया सी मेयर नूं लै के, भी इन्नियां सीटां उहनां दीआं उह बण चले सीगे, लेकिन उहनां ने उधरों वोट पाई BJP ने, इकड़ूं तुकड़ूं करके खासा कुछ करके की कीता, उपर हेठ गल्लां जिहियां बना जुड़ू के कुछ क बंदे खरीद लए कांग्रेस वाले बैक बुक गए उधर नूं, ते उहनां ने एंड ते की कीता आपदा मेयर बनाता। जिवें पिंडां च कहिंदे पंच हुंदे आ ते इक सरपंच हुंदा, इदां ही शहरां विच MC हुंदे आ ते दूजे नंबर ते मेयर हुंदा जिहड़ा उहनां नूं कंट्रोल करदा हुंदा, ठीक है। डन जी, चलिए अगे। चलो अगे चलते हैं, मीनाक्षी करी नो सर की होया जी, की नो मीनाक्षी, मीनाक्षी जी की होया नो, एक बार दस्यो मैनू। चलो चलते फिर आप अगे, ठीक है। ये तीन मिनिस्ट्रियां जरूर याद रखियो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयरस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो उदो बाद है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरस, इन बारे सानू पता होना चाहिए जी, ठीक है।
लो जी अगला को देखते हैं हुण की कहिंदे आ ठीक है कहिंदे जिहड़ियां अपने कंट्री विच मिनिस्ट्री अपना लोकल गवर्नमेंट आई है कदों आईया जिवें आपां पंचायतां पढ़ियां सीगा कि भाई वह तो 1959 च आईया सीगा ठीक है कि आपां नूं भी 1959 च आईया सीगा याद होगा आपां कल पढ़िया सीगा 2 अक्तूबर नूं राजस्थान च पहली बनी सीगी ठीक है तो मुड़ के बनाती उन्होंने दूजिया ने अपने वाले ने आंध्र प्रदेश वाले ने तो लेकिन जिहड़ी लोकल गवर्नमेंट है ये किन्नी क पुरानी है कहिंदे ये तो जी बहुत पुरानी आ कहिंदे किन्नी पुरानी आ ये तो 1688 च स्टार्ट हो गई सी इन्नी पुरानी हाँ ब्रिटिश राज दे टाइम ती आ ब्रिटिश रूल दे टाइम ती ब्रिटिश जिहड़े अंग्रेज सीगे उन्होंने कितना कितने आप कह सकते एक चंगा काम कह लो जिहड़ा ये सिस्टम स्टार्ट किया शहरों में अपने वाले तो पहले पता ही नहीं सीगा भी काम करना हुंदा क्योंकि अपने ऐसे ना अपने पहला राजे होंदे सीगे राजे कह कहा काम करा लैंदे सीगे दो चार बंदे रखे सी वी तुसीं सफाई करनी आ लेकिन इन्होंने फिर एक सिस्टम अलग चलाता एक सरकारी अलग चलाती म्यूनसीपालिटीज तो पूछा जाता कि सब तो पहला केड़ी सिटी विच बनी सीगी ओह सीगी मद्रास ये बहुत ही जरूरी है यो एरिया आ जिथों बहुत बार क्वेश्चन बनता एग्जाम दे विच आपां इहनूं इग्नोर नहीं कर सकते तो मद्रास दे विच सब तो पहली बार बनी सीगी नोट कर लिओ जी उदों बाद 1726 आउंदा आ तो दो होर सिटियां जिहड़ियां उदों शहर सीगे उहनां विच कारपोरेशन बनदी आ म्यूनसीपल कारपोरेशन बॉम्बे ते कलकत्ता ये भी आपां याद रखना जी हुण मद्रास पहले नंबर ते दूजे नंबर ते अपने कोल बॉम्बे ते कलकत्ता भी हो गए ने तां इह जी इंपोर्टेंट है साल भी याद रखना ते नाल दी नाल ये भी याद रखना कि पहली सिटी कहड़ी सीगी जिथे म्यूनसीपालिटीज स्टार्ट हुई ने डन चलो नैक्सट चलते आपां नैक्सट चलण तो पहला भाई मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट आ कि जिन्होंने हजे तक वीडियो लाइक नहीं की लाइक कर दो 50 अपने लाइक करने वाले 50 बच्चे घट आ जिन्होंने हजे तक लाइक नहीं की तो कोशिश करो सारे जने लाइक कर दो है ना लाइक करा फिर तो गल जी बन जाती है तो लाइक जरूर करो जिन्होंने हजे तक लाइक नहीं की तो भाई चक दो फटे नप दो किले सुबह जलंधर शाम को दिल्ली वो काम कर दो जिहड़ा लाइक आ तो लाइव आ 150 टप जाए मिनट एक जी बस मेरे गल करते करते उस दिन तेन मैं अगला करदा ठीक है हाँ जी सत श्रीकाल जो हुण आ रहे हैं सारे सत श्रीकाल जी चलो फिर अगले स्लाइड से आ जी स्लाइड है तो पिछली स्लाइड आ इनू चंगी तरह पढ़ लियो एग्जाम क्वेश्चन बन जाना इतों मैं तुम्हें दसता ठीक है क्यों बनना वो मैं तुम्हें दसूँगा हूँ कहते एक लॉर्ड मायो करके बंदा रहा लॉर्ड मायो ध्यान ना सुनो इन्होंने गलों लॉर्ड मायो उन्हें एक रेजोल्यूशन लैके आता 1870 तो किया फाइनैशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पैसे नूं डिसेंट्रलाइज किया भी छोटिया छोटिया पावर को भी पैसा देता छोटे छोटे लोग छोटे लोग मतलब जो लोकल ऑफिसर होंगे उन्होंने पैसा देता कि आ लो तुम भी इनवैसटमेंट करो तुम भी पैसा लाओ इनू आप कहने फाइनैशियल डिसेंट्रलाइजेशन ता कि होगा लोकल गौरमेंट होर डिवेलप करेगी ठीक है बहुत इंपोर्टेंट पूछ लेते हैं कि लॉर्ड मायो जा किने फाइनैशियल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू की सी लोकल गवर्नमेंट के लिए वो कौन सके लॉर्ड मायो उस लॉर्ड रिपन आते एक लॉर्ड रिपन एक होर रेजोल्यूशन लैके आता उन्हें रेजोल्यूशन लैके आता 1882 जोड़ा वह रेजोल्यूशन लोकल बॉडी गवर्नमेंट में लैके उन्होंने की कहने मैगना कार्टा ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट पूछ लेंगे आ कि मैगना काटा कौन लेके आया सीगा जां किहदे रेजोल्यूशन मैगना काटा ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता वो कौन है जी लॉर्ड रिपन जदों कितें हिस्टरी पढ़ते होंगे तुसीं इन्हां दा नाम पढ़े होंगे किवें सीगे हालांकि रिपन बंदा काफ़ी वधिया सीगा रिपन बंदा वधिया सीगा ठीक सीगा बंदा इन्हें बड़े जिहड़े इदों पहलियां ने करजन वर्गियां ने पुठे काम किए सीगे इन्हें ठीक कर दिते सीगे जां होर भी करजन तां बाद च आया सीगा करजन नहीं सी होर सीगा करजन तां बाद च आया सीगा करजन तां 1902-3 की गल करजन की तो एक होर सीगा इदों पहला वह बड़ा बदतमी बंदा सीगा उन्हें वर्नैकुलर प्रैस एक्ट लैके आता सीगा मतलब जिहड़ी प्रैस सीगी उत्ते कंट्रोल करन की कोशिश की सीगी तो यह बंदा काफ़ी घैंट सीगा इन्हें बड़े वधिया काम किए आ तो याद रखियो लॉर्ड रिपन ने की किया ठीक है उस तो बाद लॉर्ड रिपन नूं ही फादर ऑफ लोकल गौरमेंट भी कहा जाता तो जी स्लाइड से मैं 3 चीज़ा दसियां ज 2 चीज़ा जो इंपोर्टेंट है उन्होंने स्टार मार्क कर लो भावें 3 स्टार कर लो ये एग्जाम च आउंदियां होंगे भी किहनूं कहा जाता आ लोकल गौरमेंट के फादर किहनूं कहा जाता लॉर्ड रिपन नूं ठीक है याद रखियो किहनूं कहा जाता लॉर्ड रिपन नूं बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट आ नहीं मिस करना आपां ठीक है चलिए अगे जी हाँ फादर ऑफ इनू कहा जाता लॉर्ड रिपन लॉर्ड मायो लॉर्ड रिपन ये बड़े इंपोर्टेंट है जी मैगना काटा की होंगे मैगना काटा मतलब आप कहने हुए कि किस्म का इदा का भी जो बहुत बेनीफिट देगा एक फ्रेज़ आ फ्रेज़
ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਲਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1947 ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 1992 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? 74th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ PM ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮਿਊਨਸੀਪਾਲਿਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਚਾਇਤ ਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਪੰਚਾਇਤ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਚਾਇਤ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਹ ਤਾਂ ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਡੇ ਹੋਜੂਗਾ 1 ਜੂਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਣ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੂਰ, 9A ਪਾਰਟ ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਓਕੇ, ਗੁਰਮੇਜ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਸਵੀਰ, BK ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਜੀ? 24 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯਾਦ ਆ, ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡੇ। ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਤਾਂ 9A ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 9। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? 9A ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਰਟੀਕਲ 243P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243ZG ਤੱਕ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243O ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ P ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ZG ਤੱਕ ਗਿਆ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਡਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? 12th ਸ਼ਡਿਊਲ, ਮਤਲਬ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਟੋਟਲ ਗੁਰਮੇਜ 22 ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਜੀ, 22 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ, 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ। ਲਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 12 ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਕੈਡਿਊਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੈਡਿਊਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕੈਡਿਊਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਡਿਊਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੌਖਾ ਆ। ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 8 ਸੀਗੇ, 4 ਐਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ 4 ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਐਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ 18 ਮੈਟਰ ਆ, ਮਤਲਬ 18 ਜਿਵੇਂ
18 चीज़ों पर काम कर सकते म्यूनसीपालिटी के पंचायत के लिए 29 सके भी याद रखियो। हुण देखो अपना नाल जिहड़ा पंचायत रिविजन हो रहा पंचायत के किन्ने मैटर सके 29 ये किन्ने 18 ये 18 है ना हाँ ये 18 आ तो यह भी आप याद रखना। तो आर्टिकल जो मैटर ना कि रिलेट करता आ 243 WU लो जी हुण आ गया टैसट हुण आ गया अपने को टैसट तो टैसट देख के फिर मन दे विच खुशी उठती है कि लो जी टैसट आ गया। हुण टैसट का फिर शुरू करना आप टैसट शुरू करने तो पहला एक काम कर दो जिन्होंने अजे तक वीडियो लाइक नहीं की वीडियो लाइक जरूर कर दो ताकि फिर हो जाए ना कि हाँ टैसट आ गया मैं लगू पता भी थोड़ा खुशी हो रही है हाँ जरूर कर दो लाइक जिन्होंने अजे तक वीडियो लाइक नहीं की लाइक जरूर करो। तो डेली 11 बजे थोड़ा पता ही आना हों एक होर गल जी मैं कल वीडियो बनाई आ वर्ल्ड वॉर 3 वाली कहने कहने देखिए मैंने दसो जी कल वीडियो नहीं बनाई मैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती कि नहीं हो सकती शामी 8:30 बजे बनाई सी कहने कहने वो देखी आ जिन्हें नहीं देखी वो जरूर जाके देखो बहुत घेंट वीडियो बनी हुई आ मतलब कि वर्ल्ड का प्रेजेंट सनैरियो की आ चीज़ आप जरूर देखनी ठीक है। तो जो MCQs आ जाने काफ़ी इंपोर्टेंट आ वो भी ध्यान देना बड़े ही लॉजिक वाले MCQs हो गए ठीक है। देखी हो कहने वीडियो देखी आ हाँ जिन्होंने नहीं देखी एक बार जाके जरूर देखना बहुत नाइस वीडियो बनी हुई है ठीक है जी चलो ओके लो जी। तो टैसट देख के फिर की होंगे मजा आएगा वीडियो इन्हें तो मजा आऊगा थोड़ा भी जरूर आऊगा। तो अगे जाने तो पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन की अपने को इन्फॉर्मेशन हैगी हजे टैसट आना आ किसी ने नहीं जाना टैसट जरूर देख के जाओ। एक अपना बैच स्टार्ट हो जा रहा आंगनवाड़ी का आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट हो जा रहा 18 अगस्त तो कुछ बच्चे पूछते थे मास्टर कैडर का तो मास्टर कैडर का भी बैच स्टार्ट हो जा रहा तुम्हें की करना है वैबसाइट पर जाके सर्च करना जे इत करो व्यू ऑल से ठीक है कि हो गया आ देखो व्यू ऑल से जाओ तो सारे कोर्स इतने दे दिया ये अपने को एक जो कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर आने वाला रिविजन बैच आ वह भी ये है जे किसी बच्चे लगता कि मैं रिविजन की जरूरत हैगी रिविजन बैच में ज्वाइन कर सकता तो या फिर जिन्होंने लगता कि मैं काफ़ी ज़्यादा पेपर देने वो की कर सकता महापैक के उत्ते क्लिक करेगा तो महापैक के सारे ही कोर्स इनकलूड होंगे एक साल के लिए। तो महापैक में एनरोल कर तरीका की आ एनरोल कर व्यू या बायो ऑफर से जाके कोड लाना जिन्हों आप कहने डिस्काउंट कोड तो डिस्काउंट कोड सब तो जरूरी आ Y565 उन्हें की करना थोड़े पैसों को घट करना जी तो किन्ने पैसे घट करने वो आप देख लें ठीक है। वो देखो तुम हम Y565 प्रोवाइड करने बाद 3219 रुपए का रह जाता सिर्फ 77% ऑफ मिलती है। किसी भी तरह का कोर्स तुम खरीदना का कूपन याद रखियो Y565 ये कूपन का फायदा हरेक चाहे तुम कोई रिविजन बैच लै रहे हो या तुम कोई वैसे बैच कर रहे हो तो यूज रखियो याद कोड की आ कूपन कोड Y565 ये ही थोड़ा डिस्काउंट मिलना तो डिस्काउंट कि 77% का लो जी। बाकी तुसी देख लियो जे मैं थोनू सैट लगता चलो जी टैसट दे हुणे आपां हाँ जी पहला क्वेश्चन की अपने कोले हाँ जी पहला क्वेश्चन ठीक है। कीरत क्लासा का टाइमिंग जो तुसी एनरोल करते हो बच्चे तो उहदे विच ना थोनू शो हो जाता हों कि तुसी जिहड़ा कीता उत्थे थोनू शो हो जाता हों हाँ जी दसो जी की अपने कोले हाँ कीरत शो हो जाता ठीक है हाँ जी भाई दसो जी कहिंदे विच अमंग द फॉलोइंग सिलेक्शन किट है शायद मास्टर कैडर ने सिलेक्शन किट पई अपने को एक बार सर्च करो जाके वैबसाइट पर मैं वो बारे थोड़ा जा हुण याद नहीं आ रहा वैबसाइट जरूर सर्च करो मास्टर कैडर के बारे आइडिया हो जूगा ठीक है। हाँ जी हरप्रीत तुसी पुछ रहे थे मैनू तो सर्च करो जाके हाँ जी विच अमंग द फॉलोइंग शड्यूल्स इज रिलेटड टू द रिस्पोंसीबिलिटीज ऑफ द म्यूनसीपालिटीज़ कहिंदे किहड़े शड्यूल दे विच म्यूनसीपालिटी दीआं रिस्पोंसीबिलिटीज़ लिखियां गईआं ने ते उहदा हैगा अपने कोले आंसर शाबाश वेरी गुड शाबाश 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 की आ जी ऑप्शन नंबर डी 12वां शड्यूल आपां नूं पता सौखा जिहा सीगा ठीक है ना की सीगा बिल्कुल ईजी सीगा। चलो अगे चलदे फिर आपां नैक्सट देखदे आं जी हाँ जी की आ विच अमंग द फॉलोविंग्स विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द म्यूनसीपालिटीज़ कहिंदे किहड़ा पार्ट जिहड़ा म्यूनसीपालिटी ना रिलेट करदा भाई कहिंदे पार्ट 9 करदा 9A करदा 9B करदा जां फिर 10वां पार्ट करदा तुसीं दसना किहड़ा पार्ट डील करदा आ इहदे नाल ठीक है। हाँ जी दसो जी दसो जल्दी जल्दी दसो किहड़ा पार्ट डील करदा आ कि क्लासां शो नहीं हो रही
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਟਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਕਿਰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਓਕੇ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 9ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟ 9A। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਟ 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ 3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ 4 ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ 4A ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ 5 ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਰਟ 6 ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ 9A ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਆਈਟਮਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ 11 ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਆਈਟਮਸ ਕਹਿ ਲਓ 11, 16, 18 ਅਤੇ 20। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ? ਬਿੱਲੂ ਬੱਕਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਰ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ? ਸਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ 18 ਮੈਟਰਸ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਲਦੀ ਆ ਦੱਸੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 'ਚ 18 ਆ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਓਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਚੈੱਬ ਕਰ ਦਿਓ ਆਂਸਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਓਕੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ MCQs ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ MCQs ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MCQs ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇੜ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵੀ MCQ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋਲਵ, ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਸਪੀ ਕੌਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਿੱਲੂ ਕਰੇ 100% ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8-10 MCQs ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MCQs ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ 80% 90% ਵੀ ਐਕੋਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 100% ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 80% ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ 100% ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਜ ਕਾਲਡ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ, NCR ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ NCR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ NCR। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ
अमेंडमेंट मिली सी दसना कि नैशनल कैपिटल टेरेटरी कदों बनी सी यह। ठीक है, कल संडे या कल मैराथन नहीं, मैनू हजे कोई ये बारे अपडेशन है नहीं कि मे बी ना ही हो। ठीक है, हाँ जी, शाबाश शाबाश बिल्लू, शाबाश वेरी गुड बिल्लू बकरा जी, कर रहे हैं आंसर, शाबाश 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 वेरी गुड। ये ना अज तो 6 महीने पहला बड़ा न्यूज़ च सीगा, ते न्यूज़ च क्यों सीगा, क्योंकि सेंटर गौरमेंट जिहड़ी आ एक नवी अमेंडमेंट लैके आ रही सी उदों न्यूज़ च सीगा, रिलेटड इहदियां पावरां दे रिलेटड। ते किसे नूं आर्टिकल पता किहड़ा जी, दिल्ली वाले दा आर्टिकल किहड़ा कोई, जे किसे नूं पता होवे दिल्ली यूनियन टेरेटरी दा आर्टिकल किहड़ा उह मैनूं जरूर दस्सिओ। लेकिन हाँ, शाबाश अमेंडमेंट नंबर किहड़ा आ, अमेंडमेंट नंबर है अपने कोले 69th अमेंडमेंट, 1991 च होया सीगा, ते 69 अमेंडमेंट नंबर आ। ते जे आर्टिकल जरूर पता होवे देख लियो जरूर, कोई नहीं तां मैं दसूंगा ही। ठीक है, आर्टिकल किसे नूं पता होवे, ओके सही है। गुरकिरपाल कहिंदे मास्टर कैडर नाल तैयार हो रहा, वधिया गल है जी, थोड़ा मास्टर कैडर भी हो रहा। हाँ शाबाश बिल्लू, 239A वेरी गुड, किन्ना सीगा 239A आर्टिकल अपने कोल हैगा आ, याद रखना आपां जी, म्यूनसीपैलिटी दे नाल दिल्ली कैपिटल दे नाल, शाबाश। चलो नैक्सट हैगा, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कहिंदे पहले चीफ इलैक्शन कमिश्नर कौन सीगे इंडिया दे, उह तुसीं मैनूं दसणा। बाकी साढ़े लिए खुशी वाली गल आ, जे साडा पढ़ाया हुआ किसी भी बच्चे नूं एग्जाम क्लीयर करन दे विच हैल्प करदा आ जां उहनां दे किसी एग्जाम च हैल्प करदा, तां साढ़े लिए बहुत खुशी वाली गल आ। बस तुसीं फिर इह काम करना हुंदा, सानूं असीं खुश हाँ, लेकिन जिन्ना तुसीं शेयर कर सकदे हो लोकां नूं दसो कि हाँ फतेह सर पढ़ा रहे ने, जां पंजाब दा 24/7 जिहड़ा पढ़ा रहा बहुत एफर्ट कर रहा, तां ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक गल पहुँचाओ, तां कि होर ज़्यादा लोगों जिन्हां नूं लगता कि सानूं जरूरत आ वो एजुकेशन इत्थों गेन कर सकन। ठीक है, हाँ जी, कौन सीगे जी, सुकुमार सेन, कौन सीगे, सुकुमार सेन, शाबाश वेरी गुड, कौन सीगे जी, सुकुमार सेन। हुण कौन आया किसी पता, इस टाइम अपने इलैक्शन कमिश्नर कौन आ, चीफ इलैक्शन कमिश्नर, चीफ इलैक्शन कमिश्नर हुण कौन आ इस टाइम अपने, दसो मैनूं जल्दी जल्दी, प्रेजेंट वाले कौन आ, प्रेजेंट वाले अज दे प्रेजेंट, ये देखना किनू पता, यदा आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करैक्ट आंसर। तो अज कौन आ जी, ये दसो मैनू इस टाइम, अज जे आप हुण फोन करिए इन्हों, शाबाश बिल्लू वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अज दे कौन आ, शाबाश गुरमेज वेरी गुड, शाबाश, कौन आ जी, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा पहला होंदे सीगे महाराज, सुनील अरोड़ा जी सीगे पहला, हुण राजीव कुमार आ चुके ने, ते ये शायद अपने 2022 मई दे राउंड आया कितें, शायद मई मे बी मई सीगा, हाँ मंथ 2022 चेंज होया, राजीव कुमार ने हुण, नोट कर लो जिन्हें नहीं पता, इंपोर्टेंट आ, नोट कर लो राजीव कुमार, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर चलीए, हुण देखो आप एक एक एम सी क्यूज़ के कितना एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो जिहड़ियां इदां दी इनफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी होंदी है, क्योंकि यह शायद किसी टॉपिक अंडर ना आए लेकिन गल्लां च जरूर आ जाती है, तां करके ये भी जरूर नोट करते रहो। वधिया लग रही है ना क्लास कि हाँ सर ओके आ, तो इस खुशी में लाइक जिन्होंने हजे तक नहीं किया लाइक कर दो एक बार प्लीज़ वीडियो नूं, ताकि मैनूं भी हौसला हो जाए कि हाँ वधिया पढ़ा रहे हैं ते थोनू पसंद भी आ रहा, तो लाइक जरूर कर दो वीडियो जिन्होंने हजे तक लाइक नहीं की, क्योंकि लाइक भी अपना 200 दे नेड़े तेड़े आपां लैके जाना क्लास दे अंत तक हुंदे हुंदे 200 लाइक, हजे 50 घटदे आ, किवें करने पूरे देखो तुसीं, जिन्होंने हजे तक नहीं किया लाइक कर दो। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन ते आउने आपां, लो जी, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ UPSC, कहिंदे UPSC दे चेयरमैन नूं कौन अपॉइंट करता हुंदा, ये तुसीं मैनूं दसना UPSC दे चेयरमैन नूं कौन अपॉइंट करता हुंदा, ए दस दो भाई कौन हुंदा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हैगा अपने कोले प्रेजीडेंट, ऑप्शन नंबर बी हैगा वाइस प्रेजीडेंट, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, कौन अपॉइंट करता हुंदा चेयर अपने UPSC दे चेयरमैन नूं। ठीक है, कौन अपॉइंट करता हुंदा UPSC चेयरमैन नूं, शाबाश शाबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। मैं एक थोड़ा उत्थे चीज़ दसदा, एक ना थोड़ा होमवर्क आ, पहला एक होमवर्क आ, क्योंकि जिहड़ी अपनी मंडे नूं क्लास आ ना, वो हैगी आ कॉन्स्टीट्यूशनल ते नॉन कॉन्स्टीट्यूशनल बॉडी नूं लैके, किहड़ी क्लास आ जी, वो कॉन्स्टीट्यूशनल ते नॉन कॉन्स्टीट्यूशनल बॉडीज़ नूं लैके क्लास आ। हुण तुसीं पता की करना, तुसीं एक
होमवर्क करके आना, पांच पांच एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ दी नोट करनी जी, फाइव एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ते फाइव एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, ये मतलब कि पांच पांच नाम तुसी नोट करके लैके आने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ दे ते पांच नाम नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़। फिर उस दिन मैं दसूँगा की डिफरेंस होंदा स्टैचूटरी बॉडियाँ की होंदिया, एग्जीक्यूटिव बॉडियाँ की होंदिया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की होंदिया ने, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की होंदिया ने, कितों पहचान होंदी कि कहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आ कहड़ी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आ, तो उन्होंने हैड नूं कौन अपॉइंट करता। आप एको क्लास में एक एक दो दो लाइन में बोलनी है तो थोड़े सारे डाउट क्लीयर हो जाने। तो यदा आंसर है अपने को जी प्रेजीडेंट, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ। इहदा आंसर की अपने को प्रेजीडेंट। ठीक है, उम्मीद है जो मैं एक थोड़ा मैसेज दिता आ तुम ये फो जोर जरूर गौर करोगे, क्योंकि कल मतलब कल का मतलब मंडे को अपनी यही क्लास होगी तो पूरी तैयारी करके आनी उस दिन भी, किसी ने मिस नहीं करना। ठीक है, तो नाल दी नाल जिहड़ी मैं एक होर गल कही आ कि जिहड़ी वीडियो कल आई है ना अपनी राती मैं बनाई आ चाइना ताइवान ते यूएसए दे रिश चक्कर दे विच, जरूर देखियो बहुत घैंट वीडियो जिन्हें हजे तक नहीं देखी। वर्ल्ड का सनैरियो की आ, वर्ल्ड वॉर थ्री हो सकती कि नहीं हो सकती, उन्होंने लैके आ कोशिश करियो जे टाइम लगा तो। हाँ जी चलो सर्च कर लियो चाहे जाके गूगल ते, अपने गूगल ते नहीं यूट्यूब ते। ठीक है, हाँ जी सुखविंदर सारा कुछ दसूंगा परसों की क्लास में की होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ मैं दसूंगा। हाँ जी, हू इज़ द हैड ऑफ द म्यूनसीपल कारपोरेशन, कहते म्यूनसीपल कारपोरेशन का हैड कौन होंगे, दसो भाई कौन होंगे हैड जी म्यूनसीपल कारपोरेशन का। हाँ जी कौन होंगे हैड म्यूनसीपल कारपोरेशन का, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 करो जिन्हें बैठे सारे जने आंसर करो। मैं बोल के दस्या सीगा, उम्मीद है थोड़ा याद होगा, पर पता नहीं तुसी भुल गए की चक्कर। जल्दी जल्दी जिन्हें बच्चे बैठे आ सारे आंसर कर, एक बार एनेरी जी बंद करो आंसर आँदी कि हाँ बस दर्र करके ऐ चले भी पता ही नहीं लगे। हाँ शाबाश, की अपने को ऑप्शन नंबर बी मेयर, मेयर हों म्यूनसीपल कारपोरेशन का हैड। ओके हाँ रेल जी बना दिया करो कि राही बस भी ए पता जहाँ लगे, तो जिन्हें बच्चे बैठे सारे आंसर करो, कोई स्टूडेंट इदा ना जो आंसर ना करे। हाँ जी चलो नैक्सट है, विच वॉज द फर्स्ट म्यूनसीपल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कहती कि पहली म्यूनसीपल कारपोरेशन सी इंडिया की, मतलब कितने पहली म्यूनसीपल कारपोरेशन बनी सी। हूँ याद होगा जो मैं पढ़ा रहा है मायो बारे रिपन बारे उदों मैं दस्या सीगा 1600 1688 पढ़िया सी ना आप, याद होगा थोनू। हाँ हूँ दिखना, ठीक है हूँ तो याद आ गया 1688 मैं साल भी दस दिता, तो उम्मीद आ हूँ तुम जरूर यदा आंसर करोगे। शाबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ रिवाज हो जाता ना नाल जो आप पढ़ते हैं नाल रिविजन हो जाती कि हाँ वो मैं पढ़िया सीगा, वो एक पेज दिमाग चाहता कि हाँ वो क्लास आ। शाबाश वेरी गुड, की अपने को मद्रास, शाबाश की सीगा जी मद्रास। उदो बाद कित्थे कित्थे बनी सी मद्रास, तो बाद किसी को पता मद्रास तो बाद कित्थे कित्थे बनी सी, ये भी दस दौ मद्रास तो बाद दो आप देखिया सगिया, तो मद्रास तो बाद कि सिटी सी भी जरूर दस्यो। चलो उन्हें टाइम आप नैक्सट क्वेश्चन वालू आने, नैक्सट की आ विच अमेंडमेंट अस्टैबलिश द अर्बन लोकल गौरमेंट सिस्टम, कहते कि एरिया जो अर्बन लोकल गौरमेंट न करता। ठीक है हाँ बॉम्बे तो कलकत्ता, शाबाश कि बॉम्बे तो कलकत्ता 1762 वेरी गुड। ठीक है हूँ यह दसो, शाबाश वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी चलो शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी यदा केड़ी अमेंडमेंट सी जिन्हें अस्टैबलिश की लोकल गौरमेंट केड़ी वाले जी, अर्बन लोकल गौरमेंट। हाँ अर्बन जरूर याद रखियो, जिते रूरल आ गया ना तो चेंज हो जाना, ये भी याद रखना केड़ी ने की सी अर्बन लोकल गौरमेंट। शाबाश 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे जने भाई करो आंसर, कोई भी इदा का स्टूडेंट जो आंसर ना करे ना बैठा हो, सारे जने ने आंसर करना है ना। हाँ खिच दो काम में चैब कर दो चैब, फिर मैं जी कहना हाँ चैब कर दो चैब वो काम कर दो। हाँ तो की है अपने को 74th अमेंडमेंट 1992 कौन सके प्राइम मिनिस्टर, उदो प्राइम मिनिस्टर कौन सके भी दस दो मैं, प्राइम मिनिस्टर कौन सके उदो। सुखविंदर कहते वट इज म्यूनसी, सुखविंदर स्टार्टिंग तो देखो क्लास एक बार ना स्टार्टिंग तो क्लास देखो, आप पहला डिटेल की मुड़ के आप MCQs कर रहे हैं, शायद तुम हूँ ज्वाइन किया होगा। रोज़ आप इदी करते हैं 11 बजे पॉलिटी की क्लास आप लाई दी है, सवेरे पहला आप पढ़ना होंदा टॉपिक फिर वो MCQs करने हैं,
आप टॉपिक पढ़ चुके हूँ, एमसीक्यूज है ता करके एक बार जाके जरूर पढ़ियो, पता लग जूगा। ठीक है, वह बिल्लू राजीव गांधी सीगा यार, तू की करदा भाई, तू तो सियाणा बच्चा, तेरे ते तो बड़ी आस हुंदी मैनू। पीवी नरसिम्हा राव की हो गया? पीवी नरसिम्हा राव। हाँ हुण कहिंदे उह तां मर गिया सीगा, सही आ, याद भुल गया कौन सीगे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है चलो जी, नैक्सट हैगा अपने कोले, कहिंदे विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल पास्ड आ रेजोल्यूशन ऑन फाइनैंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। कहिंदे फाइनैंशियल डिसेंट्रलाइजेशन दे लई 1870 दे विच किहने लोकल सैल्फ गवर्नमेंट दे लई रेजोल्यूशन पास किया सीगा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मायो ते नन ऑफ दीज। हाँ जी दसो जी, किहने पास किया सीगा डिसेंट्रलाइजेशन दे लई, किहड़ा इह अपने कोल डिसेंट्रलाइजेशन दी गल हो रही आ, ते काहदी डिसेंट्रलाइजेशन आ, इह डिसेंट्रलाइजेशन हैगी आ फाइनैंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, आपां पढ़िया सीगा ते उम्मीद आ याद होगा। दो ना पढ़े सीगे आपां, दो ते बच्चे कन्फ्यूज आ, कुछ ए ते सी च कन्फ्यूजन हैगा आ, ते शाबाश शाबाश शाबाश। देखो जिहड़े तां कहिंदे ए उह तां हैगा गलत, क्योंकि उन्हें उन्होंने फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट आप कहने हैं, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन आ वो शुरू किया मायो ने, लॉर्ड मायो। मैं अंडरलाइन भी किया एक बार, दोबारा जाके जरूर देखियो, रिविजन करो उस क्लास की, देखियो जाके मैं कितने जैसे दसिया लॉर्ड मायो, तो लॉर्ड मायो अलग आ, लॉर्ड रिपन अलग आ, लॉर्ड रिपन बाद चाहिए 1882 के, लॉर्ड मायो 1870 वाला सगा। ठीक है हाँ, लॉर्ड रिपन की सगा सैल्फ वाला। उम्मीद है डाउट क्लीयर हो गया, क्लीयर हो गया जी डाउट, है ना। हाँ चलिए अगे, चलो अगे चलते फिर आप नैक्सट देखते हैं। नैक्सट की है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द 74th अमेंडमेंट। कहते 74वीं अमेंडमेंट के लिए कि सही गल दसो मैं भाई, कि सही गल इन्हों दसनी है। पहला कहता जी, इट हैज़ प्रोविजन फॉर फ्रॉम आर्टिकल 243P तो 243Z जी, कहते आर्टिकल ये बारे गल की गई है 74वीं अमेंडमेंट के। दूजी स्टेटमेंट हैगी, इट ऑलसो एडड अ न्यू 12th शड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग द 18th फंक्शन ऑफ आइटम। देखो पता जे आ वाले क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट वाले, ये पढ़निया स्टेटमेंट औखिया लगदिया, लेकिन गल्लां केड़ियां निकलदियां आ के जिहड़ियां आपां पढ़ लईआं। हुण देखो जिहड़ियां आपां पहलां पढ़ियां छोटे छोटे पॉइंट है ना, जे तुसीं सिंगल लाइन वाले भी एमसीक्यूज करदे हो तां उह वी तुहानूं हैल्प करदे आ वड्डियां दे विच आ के। देखो इत्थे आपां नूं हैल्प मिल गई ना उहनां चीज़ां दी, ते सारिआं नूं पता कि बिल्कुल सही किहड़ा सी ऑप्शन सही आ ते किवें, क्योंकि देखो आपां इह वी पढ़िया कि आर्टिकल नंबर भी आपां पढ़े आ, आपां शड्यूल नंबर भी पढ़िया आ, ते आपां उहदे फंक्शन भी पढ़िया, तिन ही गल्लां दस्सियां। वैसे उहने गल लंबी करके लिखी हुई है, ते जदों इदां दा क्वेश्चन मिल जांदा स्टूडेंट कहिंदा ओए होए आ कित्थों आ गया, मैं पढ़िया ही नहींगा। पढ़िया हैगा आपां, आपां नूं पॉइंट याद आ, लेकिन आपां बाकी जिहड़ियां आसे पासे वालियां गल्लां देख के डर जांदे आ। मुद्दा आ ही आ, बस पॉइंट उही रहने आ, लेकिन आपां की डरदे आ सैड वाले, ओहो एड्डी वड्डी स्टेटमेंट। ठीक है ना, हाँ तो डरना नहींगा, फोकस करना स्टेटमेंट, तो पढ़ना ध्यान नाल, तो आंसर जरूर मिलेगा जी। तो ये रही अपनी अज्ज दी क्लास, उम्मीद है क्लास वधिया लगी होगी। जे क्लास वधिया लगी है तो जरूर लाइक करो क्लास नू, शेयर कर दो करो क्लास नू जरूर, ताकि होर बच्चे भी इतों फैन बेनीफिट लै सकन। तो इधर तो हो गया मगैम्बो खुश, उम्मीद आ थोड़े मगैम्बो भी खुश होया होगा। तो ठीक है, कल फिर 11 बजे मतलब सोमवार को 11 बजे, तो शाम को 5 बजे अपनी होंगी पंजाब जीके की क्लास। जो वसते रहो, रब खैर करे जी।